प्यारे बच्चे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहरियत के गुज़िश्ता असबाक में हमने सीखा हमारे दस्तूर का तारुफ, दस्तूर की तमहीद और दस्तूर की खसूसियात। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तस्वीर हमने कहाँ देखी है। जी हाँ, सरकारी इदारों में, सरकारी इमारतों में, दवाखानों में, स्कूलों में अक्सर हमने ऐसी तस्वीर देखी हैं, तख्तियाँ देखी हैं, अखबार में हम पढ़ते रहते हैं। ये हक मांग रहे हैं। इनमें जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि तालीम हमारा हक है। मज़दूर कह रहा है कि अक्ल तरीन उजरत की ज़मानत मिलनी ही चाहिए, ये हमारा हक है। और आदिवासी जो होते हैं वो चाह रहे हैं कि जंगल और जंगलाती दौलत पर हमारा हक है। प्यारे बच्चों, गुज़िश्ता दिनों किसान मोर्चा, किसान आंदोलन आपने देखा होगा, काफ़ी ये मौजू ज़ेर बहस था अखबारात में, टीवी पर किसानों के मतालबात हमने देखे। वो किसान हुकूमत से क्या चाहते थे, उनकी कुछ मांग थी, कुछ हक थे जो सरकार से चाहते थे। इसी तरीके से हमने देखा होगा किसी सरकारी इमारत के पास कॉरपोरेशन, नगर पालिका, ज़िला परिषद, इन इमारतों के बाहर जो मुलाज़मीन होते हैं वो अपने हुकूक़ को मांगने के लिए मंडप लगा कर बैठे होते हैं। इसे हम हड़ताल कहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हड़ताल क्यों होती है? कॉलेज के बच्चे हड़ताल करते हैं, मुतालबात करते हैं कॉलेज से, उनकी कुछ मांग होती है। औरतों के रैली मोर्चे हमने देखे होंगे गुज़िश्ता दिनों, नकाब इस मौजू पर मुस्लिम ख्वातीन ने मोर्चा निकाला, सरकार से मुतालबा किया कि ये हमारा हक है, हमें हक मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे बुनियादी हुकूक हैं जिसे हम हुकूमत से मांगते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम शहरियत का अगला सबक, सबक नंबर 4, बुनियादी हुकूक, हिस्सा नंबर 1, ये सीखें।